हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में। गाइस, यूट्यूब में जो एक नया अपडेट आ चुका है, जी उस अपडेट आने के बाद आपका जो यूट्यूब जो है ओपन नहीं हो रहा है, और अगर आप लोग जियो स्टोर में जाते हैं तो वहाँ से जो है अपडेट दिखाता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ, जिस सॉल्यूशन के मदद से आपका जो है प्रॉब्लम जो है बहुत ही आसानी तरीके से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप ये चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है ये पहले से ही अपडेट दिखा रहा है। तो गाइस, इस तरीके से आप लोग जो है डायरेक्ट मतलब घुसना चाहते हैं तो भी जो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली नहीं पहुँच पाते हैं। तो गाइस, आप लोगों के लिए मतलब आपका मोबाइल का कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। तो आप लोगों की इस तरीके से जो है आपका जो ये जियो फोन जो है आसानी तरीके से जो है यूट्यूब को ओपन कर सकते हैं, इसी के बारे में बताने वाला है। सो बिना टाइम के भाई आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल का ये मोबाइल है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अगर सेटिंग में चले जाएंगे या से आप लोग डायरेक्टली अगर मतलब रिस्टार्ट करना चाहते हैं मोबाइल को तो नहीं होगा। तो मतलब आपका जो मोबाइल का डेटा जो है सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसे ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या करना है गाइस, आप लोगों को जो जियो फोन है इसको जो है पीछे से ऑन मतलब ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसका जो बैटरी है इसे निकाल लेना है। निकालने के बाद इसका जो सिम कार्ड है इसे आप लोगों को निकाल लेना है मोबाइल से। तो मैं इसे निकाल देता हूँ। निकालने के बाद आप लोगों को जो बैटरी को फिर से जो इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को जो इसे ऑन कर देना है। ठीक है, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। गाइस, ये जो ट्रिक है 100% वर्क करेगा। इस ट्रिक को जो है आप लोग यूज़ कीजिए, और यूज़ करने के बाद अगर आपका जो है यूट्यूब ओपन नहीं होता है तो आप लोग आकर इस वीडियो को डिसलाइक मार देना। तो मैं इसे जो ओपन होने के लिए देता हूँ। ओपन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, जो वीडियो में पूरा कंप्लीट बने रहे। तो इसे स्टार्ट होने के लिए देते हैं पहले। गाइस, ये जो यूट्यूब अपडेट का जो है आने के बाद ये जो बहुत सारे मोबाइल में जितने भी जियो फोन है सभी मोबाइल में जो है ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको देखते हुए मैं ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, और ये 100% वर्कफुल भी है। तो इसे ओपन होने के लिए देते हैं। ये ओपन होने ही वाला है गाइस अभी। तो इसे ओपन होने के लिए देते हैं, कुछ सेकेंड लगता है ओपन होने में। तो गाइस, हमारा जो मोबाइल ऑन हो चुका है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी आप लोगों को मोबाइल का जो मेनू है वहाँ पर चले जाना है। मोबाइल के मेनू में चले जाने के बाद नीचे चला जाना है, और यहाँ से जो इसका मोबाइल का सेटिंग है यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है वो भी ध्यान से देखिए। अभी जो है आप लोगों को जो है यहाँ पर डिवाइस में चले जाना है मोबाइल के। तो डिवाइस में चले जाने के बाद यहाँ पर जो है डिवाइस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे चले जाना है, यहाँ पर रीसेट फोन। तो सिंपली आप लोगों को रीसेट फोन में क्लिक कर देना है, और यहाँ से जो है मोबाइल को रीसेट कर देना है। तो यहाँ पर स्क्रीन लॉक मैंने लगाया था, तो स्क्रीन लॉक मार देता हूँ, और उसके बाद यह जो मोबाइल जो है रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को सिम को डालना है। तो मैं आप लोगों को सिम को डालकर मतलब इसे पहले रिस्टार्ट होने के लिए देते हैं। रिस्टार्ट होने के बाद सिम डाल के इसे ऑन करता हूँ। तो इसे फैक्ट्री रिसेट आप लोग जो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर ये फैक्ट्री रिसेट हो रहा है। तो इसी टाइम आप लोगों को बैटरी को निकालना नहीं है। अगर बैटरी को निकालते हैं तो आपका जो है प्रोसेस सारा का सारा वेस्ट जाएगा, और आपका यूट्यूब का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इसे कंप्लीट होने के लिए देना है। तो इसे हम लोग कंप्लीट होने के लिए देते हैं, और इसे अभी ऑन होने के लिए देते हैं। तो बूटिंग अप हो रही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। तो होने के लिए देते हैं। तो गाइस, हम लोगों का जो ये रिस्टार्ट हो चुका है फोन, तो आप लोगों को यहाँ से रिस्टार्ट नहीं मतलब ऑन नहीं करना है। आप लोगों को अभी क्या करना है, आप लोगों को जो सिम कार्ड है इसे डाल देना है अपने मोबाइल के अंदर। तो मैं इसे डाल देता हूँ, मोबाइल में इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। इंस्टॉलेशन करने के बाद आप लोगों को बैटरी को डालना है। तो डालने के बाद अभी जो आप लोगों को स्विच ऑन कर लेना है यहाँ से। तो मैं इसे आप लोग अभी आप लोगों को स्विच ऑन करके दिखाता हूँ।
तो गाइस यहाँ पर हम लोगों का जो मोबाइल ऑन हो चुका है और मैंने सिम कार्ड भी लगा दिया है। तो अभी जो मैं सीधा डायरेक्ट सबसे पहले जियो स्टोर में जाऊँगा, ठीक है। तो मैं जिससे यहाँ से जियो स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस हमारा जो यहाँ पर जियो स्टोर ओपन हो चुका है और यहाँ से जो है अभी हम लोग ये जो यूट्यूब है इसे डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए देते हैं। तो गाइस ये जो अभी डाउनलोड हो चुका है तो मैं यहाँ पर अभी एंटर हो जाऊंगा। तो इसे इस तरीके से आप अपने जियो फोन को जो है इस प्रोसेस को कीजिए तो 100% आपका जो है यूट्यूब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप लोग यूट्यूब को आसानी तरीके से देख पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।